प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। अभी घर की साफ सफाई कर लेती और खाना बना लेती हूँ, फिर निकल जाऊंगी काका मुरली को मॉडल बनाने के लिए। ये जो ओझा अंकल है, देखिए हमारे इतने अच्छे खासे थोड़ा काम दे दीजिए आपके इश्तियार में। इस आदमी के एक्सप्रेशन से तो बेहतर किसी लाश के एक्सप्रेशन है, तो आप इन्हें लाश का रोल दे दीजिए ना। मैं लाश का रोल करूंगा? मैं? नहीं नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, सोनल शाह ने उसके लिए भी मना कर दिया। ठीक किया। अब मैं दिखाऊंगा उस घमंडी सोनल शाह को कि मैं कितना योग्य धुआंधार सुपर मॉडल बन सकता हूँ। दादी मम्मी देखिए कौन है, देखिए। बाई मिल गई। अरे मम्मी ये मिस सोनल शाह है। अच्छा, भाई का नाम भी सोनल शाह? था। बा पगार पहले से ही तय कर लेते हैं। झाड़ू पोछे का? अरे क्या झाड़ू पोछा डफोड़ कांता, ये वो इश्तिहार बनाने वाली सोनल शाह है। दोबारा बार विक्रम भाई की साली की बेबी। भैरवी भट्ट आपका नाम है? नहीं है? क्या नहीं? मेरा नाम मिसेस भैरवी भद्रेश भट्ट है प्रीतेश। और आप अपने भाई की बहन होंगी, है ना? करेक्ट। और आप दोनों भाई बहन अपनी मम्मी के बच्चे होंगे और आपके पापा आपकी मम्मी के हस्बैंड होंगे, करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। क्या वेरी गुड चकुड़ी, ये ताना मार रही है। अच्छा सोनल दीदी ये मेरी मम्मी भैरवी भट्टी है। ओ अच्छा अच्छा, तो मिसेस भैरवी भद्रेश भट्ट मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे आप लोगों के यहाँ मेहमानों को पानी देते हैं या फिर घर से लाना पड़ता है? नहीं नहीं, हम लोग तो चाय भी देते हैं, एकदम पहले टाइप के नहीं है। आस्ता चकुड़ी तू उनसे बात कर ले, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। तो बराबर खसने भाई। आपका नाम? मेरा नाम छोड़िए, मिस्टर मुरलीधर ओझा से कहिए कि इश्तिहार के ऑडिशन के लिए उन्हें मेरे ऑफिस आना है। आई डोंट बिलीव दिस, सोनल शाह आपको मॉडल बनाएगी? अरे इसमें आई डोंट बिलीव दिस वाली क्या बात है? सोनल शाह मारे को मॉडल बनाने के लिए राजी हो गई है। हीरे की परख सोनल जैसी जोरी को ही हुए है। पापा कल रात आप ही तो सोनल शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हाँ क्योंकि वो तो आपको लाश के रोल में तक नहीं लेना चाहती थी, ऐसा कहा था ना उसने घोटालों को। अच्छा हाँ, मतलब घोटालों ने कांटेक्ट निकाल के सोनल को बुलाया? ना ना वे, वो पांचों तो सोनल की डांट और चप्पल खाकर वापस आ गए थे। अरे को पता है? हाँ भैया, खुद सोनल ने बताया मुझे। तो फिर वो खुद चल कर कैसे आई? और माना उसने अंकल ओझा की फोटो को टी कोस्टर बना के उस पे चाय का कप रखा, फिर मरे हुए कॉकरोच को उससे उठाया और फिर डस्टबिन में उसने पहले फोटो को डाला, बाद में कॉकरोच को डाला। तो अंकल ओझा की फोटो तो बस, बस, बस। अंकल ओझा मेरे कहने का मतलब है कि अचानक से सोनल शाह आपको मॉडल बनाने के लिए राजी हो गई। और दासी भावना के लिए कम हो गया है ना? ओ मेवाड़ नरेश, और ओ मेवाड़ नरेश के चमचो, माना कि भैरवी ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, लेकिन अभी तक आपने इश्तियार का शूटिंग नहीं किया है। शूटिंग करके दिखाओ। हाँ बाबा। हाँ
अच्छा ये सोनल शाह हमारे कहने पर यहाँ कैसे आ सकती है? उसने तो हमें कितनी बुरी तरह से वहां से डब बनाना था। ये क्या नया बोला अभी? क्या ये डब बनाना? अरे कितनी बुरी तरह से उन्होंने हमें वहां से धकेला था। हाँ तो केला का मतलब बनाना ही होता है ना पापा, डब बनाना धकेला। अरे हेमंत को छोड़िए ना आप। हाँ, जंगल में छोड़ के आना चाहिए इसे। वो सोनल शाह हमारी सिफारिश पे भैरवी से मिलने क्यों आएगी? शरद 100% तूने उस सोनल शाह को हिप्नोटाइज करके यहाँ बुलाया हुआ है ना? नहीं नहीं भैया, मैंने उसे हिप्नोटाइज नहीं किया है। तो शरद चाचा खुद सोनल शाह बनकर गए होंगे भैरवी दीदी के घर, ऐसे ऐसे रूप बदल के। करेक्ट। तू क्या करेक्ट भैया, मेरा रूप परिवर्तन वाला सुपर पावर अभी भी आपके पास है। जनेऊ के बाद कहाँ लौटाया आपने मुझे? क्या? हाँ चेक कर लीजिए। मैं ओझा अंकल बन के देखता हूँ। अरे हाँ देखा आपने, तो फिर सोनल शाह को राजी करके कॉलोनी में लाया कौन वर्षा? लो बोलो काका मुंडी तो यहाँ है बा। ओ मुरली भाई आप यहाँ क्या कर रहे? मानव और है ना आपको ब्यूटी पार्लर में ढूंढने गए हैं। हाँ तो ओझा अंकल वहीं पे मिलेंगे। हैं? हाँ क्योंकि ये तो पापा है ना। मानव के पापा हैं ऐसा बोल गेंडे। अरे लिप ग्लॉस लगा रहे हैं और आपने पाउडर भी लगाया है। बस आई शेडो रूज लगाना ही बाकी है ना। पापा ये सब क्या है? अरे बेटा शूटिंग पे जाने से पहले मेकअप करना पड़ता है। हमारे राजस्थान की रामलीला में जब मैं मंदोदरी बना था। ओह माय गॉड, आप मंदोदरी बने थे? बेचारा रावण। हाँ ना, उसने रामलीला में कहा होगा सीता मैया को तो मैं मुक्त करता हूँ लेकिन साथ में मंदोदरी को भी ले जाइए। हाँ हाँ अब ये हा ही बंद करो। देखना मारा पहला इश्तिहार देख के लोगों की लाइन लगेगी लाइन। मारा दस्तखत लेने के लिए आज सुबह ही एक लड़का दस्तखत लेके गया मारा। क्यों मानव? पापा वो कुरियर वाला था। अरे वो सब छोड़िए नहीं, ये सब तो घोटाले है। आप जल्दी से चलिए सोनल शाह के ऑफिस में, अभी आपका ऑडिशन है। का बाबा? हाँ बा। लेकिन भावना भाभी मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई चलो फटाफट रास्ते में बात कर लेंगे। हेलो हेलो चलो, सोनल मारा इंतजार कर रही होगी। इंसानों का भांडा फूट है शिशिर। आपको पापा का रोग लगा है क्या? इस टाइम पे भाषा ने परिस्थिति सुधारी है, कुछ कीजिए। लेकिन क्या करूं? कैसे सुधारूं ये परिस्थिति? दो दो ओझा अंकल आमने सामने, इसका जवाब कैसे देंगे हम? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस।
दो दो पापा। मैं दो दो मारे जैसा भी सुशील हैंडसम प्रतिभाशाली दो दो वही तो जैसे कि एक कम थे। आओ ना भाभी। वसन अब भी बोलिए। आओ ना भाभी। ओ मम्मी ये सब तो देखिए दो दो ओझा अंकल देख के कितने आलीशान हो गए हैं। एकदम आलीशान हो गए हैं ये अंबुजा देख के। अरे गेंडे परेशान हो गए हैं ये सब परेशान ये अजूबा देखकर। अरे ये अंबुजा क्या है। एक मिनट आप लोग चुप रहेंगे थोड़ी देर। बाबा ए बाबा जल्दी बाहर आ देखिए राम और श्याम किशन का नहीं आ। नहीं नहीं गुनी नरेंद्र प्यासा नरेंद्र तेरी किटे था था नहीं। चकुड़ी ये कौन सी पिक्चर है। बस उसमें दो दो नरेंद्र का डबल रोल था ना। हाँ तो यहाँ पे भी तो काका मुरली का डबल रोल है ना। हाँ और आप भी तो काका मुरली को कभी कभी मारवाड़ी नरेंद्र कह के बुलाती। यही क्या कर रहे हैं। हाँ आपको तो के 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 ऐसा करना चाहिए ना। अरे वर्षा ये के कैसे बोलेगा क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। क्या है बा बिला दो दो काका मुरली ये कौन है क्या हो क्या रहा है भाई ये? अंकल ओझा के दो दो रूप देख के आप इतनी परेशान क्यों हो रही है वर्षा भाभी। हेमान मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ है ना दीदी क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इनमें से असली वाले ओझा अंकल कौन से हैं और मेरे पापा कौन से हैं। मुखौटा पहना होगा खींच के देखिए। लेकिन मुखौटा पहनने से वजन भी कैसे बढ़ गया मिस्टर घोटाला का। तू भाई पुलिस को फोन कर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है पूरी घोटाला फैमिली का। बा? हाँ बाबा एक काम करती हूँ मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अरे पुलिस क्यों भावना आंटी। क्योंकि आप सबसे बड़े बहरूपिये हैं बहरूपिये। मैं कहाँ बहरूपिया मेरे जैसे सुशील ईमानदार और हैंडसम इंसान कहाँ बहरूपिया। ओ झालर मेरे जैसे नहीं मारे जैसे प्रतिभाशाली ऐसा बोल। आप इनको असली वाले मुरलीधर ओझा बनने के लिए क्या ट्यूशन देने बैठे। हाँ वही तो क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ओझा अंकल ही हूँ। है ना लाजो भाभी। लाजो भाभी। हाँ ये काका मुरली के जुड़वा भाई होंगे गुजरात के तरनेतर के मेले में खो गए होंगे बचपन में। हाँ के 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 बोल रही है गुजराती बहुरानी गुजरात के मेले में। ऐसा बोल मारे राजस्थान के गणगौर के मेले में खो गए होंगे। ओ राजस्थान टूरिज्म ज्योग्राफी में कहाँ उलझ गए आप। हाँ ओ काका मुरली आपके कोई जुड़वा भाई था क्या। ना ना मारी तो जुड़वा बहन है सुभद्रा।
तो फिर ये सुभद्रा बुआ होंगी। जय श्री कृष्ण सुभद्रा बुआ, कैसी हैं आप? पर वो तो खोई नहीं थी। तो बराबर। अरे ओ नफलकंता, अगर वो खोई भी होती, अगर इनकी जुड़वा बहन सुभद्रा खोई भी होती तो तुझे ये बहन लगती है? भावना काकी, मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। हाँ, और 100% घोटालों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वर्षा भाभी, क्या बात क्या है? नहीं, आपके चेहरे पे जो टेंशन है उसका क्या मतलब क्या निकाले हम जरा बताइए। मतलब मैं बताता हूँ पापा। शेरलॉक होल्मस, मुझे इस अजूबे के बारे में पता है। हाँ दादी, अभी नीचे आके बताता हूँ। अभी देखते हैं मेरा शेरलॉक होल्मस नीचे आके क्या बोलता है। क्या कर रहे हो चाचा? ये तो सुपर पावर वाला रिमोट कंट्रोल है ना, जो पापा हमारे ग्रह से लेके आए हैं। हाँ। और याद कर शिशिर, भैया ने क्या कहा था? इमरजेंसी आने पर इस यंत्र के जरिए हम वक्त को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक पीछे ले जा सकते हैं और बीते हुए वक्त में पहुंच सकते हैं। मतलब वक्त का रिवाइंड? हाँ शरद, लेकिन एक बात याद रहे, नियति में जो तय हुआ है उसे रिवाइंड करके अगर बदलने जाएंगे तो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन चाचा, समय को पीछे ले जाके हम गलतियां सुधारने जाएंगे तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है शिशिर। बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। आज तो ये फैसला हो जाएगा या चल क्या रहा है। धर्म सिंह, बांधो इनके हाथ। हाँ, धूप तो कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई है। तो छाता दिलवा दीजिए तो मैं इनके तुरंत हाथ बांध दूंगा। जो भाजो। ओ लालची सौदेबाज खाउदरे, ला मैं ही बांध देता हूँ हमारे बहरूपिये के हाथ। मानो तू पुलिस को फोन लगा बद्रेश के फोन से। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। What, please? आप कौन है, बता क्यों नहीं देते फिर? हूबहू मेरे पापा की शक्ल वाला इंसान खड़ा है हमारे सामने, जो बोल रहा है वसंत घोटाला की तरह। हाँ, टू इन वन, शक्ल और आवाज में काका मुरली और अंदाज और हाव भाव से वसंत भैया। राइट, कौन है आप लोग और ये क्या जादू टोना हो रहा है, प्लीज हमें बताइए। मैं बताता हूँ ना दीदी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.